लालगंज कोतवाली क्षेत्र की प्राथमिक विद्यालय धदुआ गाजन में भवन मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसमें दो मजदूरों की दबकर मलबे में मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। बता दें कि यहां पर दो दिनों से ग्राम प्रधान द्वारा जो जर्जर भवन थे उसके निर्माण के लिए जो है उसे गिराया जाना था, और वो वही छत गिराई जा रही थी, जिसमें दब करके जो मजदूर थे उनकी मौत हो जाती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। बताया जाता है कि जो एम्बुलेंस आई थी उन घायलों को ले जाने के लिए, वो एम्बुलेंस चालू ना होने की स्थिति में ग्रामीणों का आक्रोश फूटा और एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग को भी घंटों जाम किए रहे। हालांकि मौके पर पहुंचे उच्चाधिकारियों ने काफ़ी समझाने बुझाने के बाद जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसको खुलवाया जा सका। उसमें विद्यालय के जो अध्यापक थे वो सब लोग आ गए थे? आ गए थे। आप लोग वो विद्यालय जो भवन था उसके आसपास थे कि दूर थे वहां से? मतलब दूर थे, वहां पर फिर गए थे। अच्छा, जैसे ये कल से काम चल रहा है तोड़ने के लिए जो है, तो आप लोग को विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापक द्वारा ये कहा गया था कि उधर मत जाइएगा कि नहीं कहा गया था? अच्छा, ये आपको बताया गया था कि उधर आप लोग मत जाइए। ठीक, कितने छात्र होंगे आपके विद्यालय में लगभग? ये तो क्या नाम है आपका? पिताजी क्या नाम है? किस विद्यालय में पढ़ते हो? किस विद्यालय में? धदुआ गाज में। जब ये घटना हुई उस समय आप पढ़ने आए थे यहाँ पे? उसमें क्या हो रहा था यहाँ पे जब ये घटना हुई, जब ये छत गिरा है? प्रेयर हो रहा था। तो यहाँ पे कल से काम चल रहा था, प्रधानाचार्य द्वारा या विद्यालय के अध्यापक द्वारा आप लोग को कहा गया था कि जो भवन टूट रहा है उधर मत जाइएगा, कहा गया था? अच्छा, तो ये क्या नाम है आपका? आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? क्या नाम बच्चे का? शिवानी गौतम। तो जिस समय ये घटना हुई है आपको जानकारी हुई, तो उस समय आप कहाँ पे थे? हम घर पे रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से दौरत आवत है तो लक्ष्मी जो महत्तर है क्यों चिल्लाते आती है। अच्छा, और क्या बातें हुई जो है? यहाँ पे बच्चे सुरक्षित थे? अच्छा, आप लोग को जानकारी नहीं थी? अच्छा, इसका रिपेयरिंग हो रहा था? पूरा बन नहीं रहा था। अगर बनता तो टाइल भी नहीं लगी है, इस पे ना गिराते। अगर गिराते तो इस पे मतलब कि आदमी चला रहे थे कि ये छत गिरने वाला है, चला के सब में काम करते नीचे ना काम करते। क्या 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 चीज? टाइल बचाने के लिए नीचे फर्श की उस पर पैरा बिछा दिए थे ताकि टाइल ना टूटे। अच्छा, बना कौन रहा था? बना कौन रहा था? यही नहीं, आक्रोश इतना व्याप्त था लोगों के अंदर, जो गुस्सा था एकदम चरम पर था, और लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, और जो मृतक थे उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे, और साथ ही साथ डीएम और सीएम के आने की भी बातें की जाने लगी। लेकिन जो उच्चाधिकारी थे उनके आने पर, उनके समझाने पर जो आक्रोशित लोग थे उनको वह शांत हुए, और किसी तरीके से करीब आधे घंटे के बाद जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कराया गया, उसमें आवागमन जो है वो संचालित करवाया गया। लेकिन कहीं न कहीं लोगों में अभी भी इस बात को लेकर आपको सुझाव है कि ऐसे जर्जर भवनों में हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे नौनिहाल हैं, वो अब पढ़ने नहीं जाएंगे। लालगंज क्षेत्र में एक धदुआ गाजन प्राथमिक विद्यालय पड़ता है। आज इसमें जो है दो दिन से कार्य चल रहा था विद्यालय में, और ऐसे में जर्जर भवन था उसको तोड़वा करके नया निर्माण करना कराना था। दो तीन मजदूर काम कर रहे थे और छत गिर जाती है, उसमें दब जाते हैं। क्या पूरा मामला है? ये जो
ये जो गोल्ड मेडल वाले विद्यालय थे उसकी छत जर्जर होने के कारण उसका जो है प्रधान द्वारा जो रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, जिसमें तीन मजदूर बद्री स्वरूप और रामवरण गुप्ता और राम निवास कार्य कर रहे थे। दो लोग नीचे थे और एक लोग बताया जा रहा ऊपर थे। छत एकाएक जो है वो गिर गई और एक की घटना स्थल अस्पताल जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। एक जो राम निवास जी हैं वो घायल हैं, अस्पताल में है। घटना बहुत दुखद है और इसके संबंध में जो उनको माननीय मुख्यमंत्री सरकार किसान बीमा योजना के अंतर्गत जो सहायता 5 लाख की वो अनुमन्य है और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के तहत, क्योंकि सभी कमाऊ सदस्य थे अपने परिवार, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के अंतर्गत 30,000 रुपया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलोक कुमार सरोज। आप लोग सड़क जाम के हैं, राजमार्ग जाम के हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं विद्यालय को लाभ दिया जाए, मृत्यु परिवार के ऊपर सहायता या कुछ भी दिया जाए, हेड मास्टर हो या कोई और हो। दुर्घटना हुई था पूरा मामला छत की रिपेयरिंग की जा रही थी तो उसी में छत गिर गई नीचे, उसमें दो लोग दब के उनकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को भेज दिया गया। साथ ही मौके पर है